गाइस ये है RX 135, बहुत पुरानी बाइक है। ये है 99 मॉडल। नहीं कुछ मैकेनिक भाई है तो ना शायद बर्थ भी नहीं हुआ होगा, जन्म भी नहीं होगा, लेकिन इस बाइक से देखकर मेरे को ना पुरानी, क्योंकि मैं पिछले 31 साल हो गए काम करते हुए, तो मैंने 30 इससे पहले जो RX 100 है, KB 100 है, उनका काम किया है, मतलब पुरानी यादाश्त ताज़ी होगी। तो एक मैकेनिक लेकर आया मेरे पास, ये स्टार्ट नहीं हो रही, तो स्टार्ट करनी है। हमारे पास चैलेंज ये है कि मेरे पास पार्ट्स नहीं है, तो हम इसको चेकआउट करेंगे, मतलब इसे चेक करेंगे इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये कस्टमर काफ़ी दूर, मतलब इधर उधर घूम के आया है, तो किसी ने बताया वहाँ ले जाओ विश्वकर्मा वाले पास, वो वहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, लेकिन मेरे पास भी कंफर्म नहीं है क्योंकि इसके पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी कस्टमर की थोड़ा वो कर, भाई हम चेक कर देते हैं, अगर कोई पार्ट है तो कस्टमर कह रहा है मैं खुद ले आऊँगा, तो आप खाली इसको चेक कर दो इसमें फॉल्ट क्या है, ठीक है। तो मैं इसको खुलवा रहा हूँ, चेक करेंगे, पता नहीं स्टार्ट करेंगे कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो तो हम अभी चेक करेंगे इसमें फॉल्ट क्या है। तो कस्टमर ने इसमें क्या है, पेंट चेसी पेंट करवाई है, मैं दिखाता हूँ चेसी पेंट करवाई है, उसके बाद ये स्टार्ट नहीं हो रही। पहले कह रहा था वो इसमें हमने पेट्रोल डालते हैं हेड में तो स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन जैसे ही इसमें चेसी पेंट करवाई है उसके बाद ये स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ इसका पेंट वेंट, मतलब पुरानी गाड़ी है, मस्त वाली टू स्ट्रोक इंजन, आजकल के जो बच्चे होते हैं उन्होंने शायद इन्हें देखी ना होगी, ये टू स्ट्रोक इंजन, कभी इसकी इसी का हल्ला होता था, मतलब मार्केट में सबसे ज़्यादा RX 100 जो है ये 135 उसके बाद का मॉडल है, लेकिन ये गाड़ी भी मस्त है। RX 100 बंद हुई थी तो उसी के साथ साथ जो कंपनी का है सेल कम हो गई थी, और वहाँ से हीरो की सेल बढ़ गई थी। DL4S नंबर भी 1200, क्या बात है, VIP नंबर है भाई। वैसे वो इतना पेंट वेंट नहीं कर रहे थे, ऐसे टूटे भी हो रहे थे ये, इसके बोलते थे मेरे ध्यान नहीं आ रहा, किसी को पता हो तो बताना क्या बोलते थे, भूल गए हम तो मीटर का साथ में इसको टूटी ऑयल चलता था इंजन में। अब उसने रीड वाल, यहाँ पे रीड वाल नया लगवाया है, पैकिंग कार्बोरेटर नया साफ करवाया है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, सबसे पहले कंप्रेशन चेक कर भाई, प्लग किक मार, कंप्रेशन चेक कर, प्रक्रिया भाई है, ओके कंप्रेशन ओके हमारा, पेट्रोल इसमें है, पेट्रोल का वो नहीं है, पेट्रोल कह रहा है डालने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसके बाद सीधा हमने क्या चेक करना है, इसका चेक करेंगे अपना स्पार्क, स्पार्क देख, तो गाड़ी में स्पार्क नहीं है, जब तक स्पार्क नहीं आएगा तो गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं, मतलब स्टार्ट हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए हमने एक काम कर, फटाफट फ्यूल टैंक उतार ले, टैंक उतार ले। फाइनली गाइस हम इसकी चेक करते हैं, एक्साइटर कॉइल और इग्निशन कॉइल, CDI तीनों चीज़ चेक करते हैं। इग्निशन कॉइल जैसे हम चेक करते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल चेक करने का तरीका सीधा अपना वो है, मल्टीमीटर को बजर मोड में, तो सबसे पहले हम इग्निशन कॉइल चेक कर रहे हैं, तो बजर मोड में हमने अपनी प्राइमरी कॉइल चेक करेंगे, तो प्राइमरी कॉइल का तार कौन सा है, ये वाला जो भी CDI से जाता है, तो इसको एक तार लेंगे और एक देखेंगे ग्राउंड, ग्राउंड कहाँ पे है, सही ग्राउंड कहाँ पर, यहाँ लगा देते हैं, ये आ रहा है 4 के आसपास रीडिंग आ रही है, फर्स्ट क्लास है ये। अब करेंगे सेकेंडरी कॉइल, तो एक अपना ये प्लग वाली रीडिंग लगाएंगे और दूसरा उसमें लगाएंगे जो उसी में, और इसको किलो वार में जाएंगे 220K में लेके जाएंगे, ये 4.3, ये भी ओके है, इग्निशन वाला ओके है। अब चेक करते हैं CDI, तो CDI में ये बड़े सीट के नीचे होती है, इसमें दो तार अपना जो एक्साइटर कॉइल का आता है अंदर चार्जिंग वाला, ये ब्लैक पे रेड और एक पर ब्लैक पे वाइट पे, इसको बजर मोड पे कर लेंगे, थोड़ा पीछे ले जा भाई कैमरे ने, बजर मोड पे कर लेते हैं अब इसको, देख दिख रहा है बजर मोड पे, इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तार दिख रहे हैं ब्लैक पे रेड और ब्लैक पे वाइट, ये कुछ नहीं आ रहा इसमें, ये ग्राउंड और ये प्लस माइनस, मतलब ये CDI भी ख़राब है इसकी। अब चेक करते हैं चार्जिंग कॉइल, इधर लिया, अब ये चार्जिंग कॉइल हमारी जिसको एक्साइटर कॉइल बोलते हैं, तो इसका हमने बजर मोड पे सेट करके यहाँ चेक कर रहे हैं, ये तार नीचे है, ये कुछ रीडिंग नहीं आ रहा, मतलब ये हमारी नई गली हुई, ये भी ख़राब है। अब चेक करते हैं इसका
इको कॉयल का, ये ठीक है, ये 70 के अराउंड होना चाहिए, 65-70 के आसपास, ये मस्त है। तो इसकी दो कॉयल ख़राब हैं, एक तो CDI और ये चार्जिंग कॉयल, खोल ले इसको। तो ये दोनों चीज़ें हम कस्टमर को बोल के मंगाएंगे, उसके बाद गाड़ी अगर स्टार्ट होती है वो पार्ट लेके आएगा। खोल इसको। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके। आपको बाकी ये कस्टमर कॉयल लेके आएगा तो उस टाइम डाल के आप लोगों को दूसरी वीडियो में स्टार्ट करके दिखाएंगे अगर लेके आता है तो। तो इस वीडियो में गाड़ी इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।